गुलबर्गा शहर में कल यानी 30 जुलाई को मेयर और डेप्यूटी मेयर इलेक्शन हुए, जिसमें वार्ड नंबर 53 के कॉरपोरेटर येल्लापा नाइकोड़ी को मेयर और वार्ड नंबर 10 के कॉरपोरेटर हिना बेगम वाइफ ऑफ रहीमुल्ला को डेप्यूटी मेयर बनाया गया है। मेयर और डेप्यूटी मेयर इलेक्शन में तमाम 55 कॉरपोरेटर्स गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा रूरल एमएलए, एमएलसी, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, ये तमाम लोग वोट करते हैं और जिसके पास बहुमत होगी उस पार्टी के कॉरपोरेटर को मेयर और डेप्यूटी मेयर बनाया जाता है। कांग्रेस के पास 27 कॉरपोरेटर, एक राज्यसभा एमपी, एक लोकसभा एमपी, दो एमएलए और दो एमएलसी मौजूद हैं, जिसको मिलाकर टोटल 33 वोट जमा होते हैं। और बीजेपी के पास 24 कॉरपोरेटर जीते हुए थे, जिसमें दो कॉरपोरेटर डिस्क्वालीफाई होने की वजह से 22 कॉरपोरेटर हैं और एक एमएलए, तीन एमएलसी को मिलाकर बीजेपी के पास 26 वोट जमा होते हैं और जेडीएस के पास 4 कॉरपोरेटर्स यानी 4 वोट मौजूद हैं। इस बार का इलेक्शन थोड़ा दिलचस्प हुआ क्योंकि मेयर के लिए एससी कैटेगरी रिजर्व थी और डेप्यूटी मेयर के लिए बीसीए कैटेगरी मौजूद थी। एससी कैटेगरी के हिसाब से पूरे गुलबर्गा में एससी कास्ट के सिर्फ एक कॉरपोरेटर हैं, येल्लापा नाइकोड़ी, जो कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए हैं। कांग्रेस के पास मेयर के लिए एससी कैंडिडेट मौजूद था, पर बीजेपी ने वार्ड नंबर 23 के कॉरपोरेटर दिगंबर नागौड़ा को मेयर के लिए कैंडिडेट बनाया था, पर कैटेगरी मैच न होने पर इन्हें रिजेक्ट कर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट येल्लापा नाइकोड़ी को यूनानिमसली मेयर बनाया गया है। और डेप्यूटी मेयर के लिए बीजेपी जेडीएस अलायंस में अलीम पटेल को डेप्यूटी मेयर के लिए कैंडिडेट बनाया गया था, पर आयन मौके पर अलीम पटेल जेडीएस कॉरपोरेटर ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से हिना बेगम को भी यूनानिमसली डेप्यूटी मेयर बनाया गया है। ये तो हुई मेयर और डेप्यूटी मेयर इलेक्शन की बात, अब शहर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको याद होगा इस बार के कॉरपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, 24/7 वाटर सप्लाई, एलईडी स्ट्रीट लाइट के अलावा टोटल 20 बड़े वादे किए गए थे। और अभी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है और इस बार मेयर और डेप्यूटी मेयर कांग्रेस पार्टी के बन जाने के बाद शहर की आवाम उम्मीद लगा रही है कि इस बार मैनिफेस्टो के हिसाब से कांग्रेस अपने वादों को पूरे करने पर फोकस करेगी। येल्लापा नाइकोड़ी के मेयर बनने के बाद गुलबर्गा हेडलाइंस पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर हमने मैनिफेस्टो पर सवाल किया तो मेयर साहब ने कहा ये आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के तमाम वादों के मुताबिक शहर के पेंडिंग कामों को पूरा किया जाएगा। और साथ ही इस मौके पर डेप्यूटी मेयर हिना बेगम ने भी तमाम शहर के डेवलपमेंट पर काम करने का भरोसा दिलाया है और साथ ही शहर में इस वक्त आवारा कुत्तों के आतंक से आवाम परेशान है, इस इशू पर भी बात की गई है। और इस मौके पर तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कॉरपोरेशन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। सर, आज इस तरह से आप यूनानिमसली मेयर बने हैं यहाँ पर गुलबर्गा में, कई सारे इश्यूज हैं, कुत्तों का इशू है और दीगर डेवलपमेंट इश्यूज हैं, किस तरह से आप काम करेंगे और आज जिस तरह से आपको मेयर बनाया गया है इसमें क्या कहेंगे? आज मेरे को जो मेयर बनाया हमारे लीडर्स, वो लीडर्स हमारे कॉर्पोरेटर्स बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आज दो बजे हम कॉर्पोरेशन में चार्ज ले रहे, कल आप सर मीटिंग बुला के सिटी के बारे में क्या क्या प्लानिंग डाला है, मैं कल मीटिंग लेके प्रायोरिटी के बेस पे एक 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 प्रायोरिटी बेस पे हम सिटी में अच्छे काम करेंगे, क्योंकि मेरा सर्विस 28 ईयर्स हो गया, 96 से मैं कॉर्पोरेशन में आया हूँ। हमारे मिसेज दो बार कॉर्पोरेटर, भाई दो बार कॉर्पोरेटर और हमारे मिसेज डेप्टी मेयर और भाई मेयर बना हूँ, ये हमारे सीनियरिटी का एक रेस्पेक्ट रखेंगे हम काम बता के। सर, इस तरह से कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से एक मैनिफेस्टो बनाया गया था जिसपे आवाम आज तक नजर लगाए बैठी है, आज वो मौका मिला है, गवर्नमेंट आपकी है, एमएलए आपके हैं, मिनिस्टर आपके हैं और आप मेयर भी आप बने हैं, तो उस मैनिफेस्टो पे किस तरह से काम करेंगे? मैनिफेस्टो के हिसाब से जो हम आश्वासन दे रहे हैं हम हमारे पक्ष के वती से, पार्टी के वती, इससे वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सिटी में बहुत काम पेंडिंग है और सिटी में स्लम से बहुत है हमारे पास, आश्रय है, आश्रय स्कीम के मकाना है, वो हर एक है, उनपे फैसिलिटीज नहीं है, वो जो हम प्रणाली पे ये आश्वासन दिए थे वो हम पूरे करने का कोशिश करेंगे। जो भी मेरे एरियाज के आवाम है उनका भी शुक्र अदा करती हूँ जो वोट डाल के मेरे को जीते हैं और आज उनकी वजह से मैं डिप्टी मेयर बनी हूँ। मैं डिप्टी मेयर बनने के बाद जो भी एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करूंगी। कांग्रेस गवर्नमेंट भी है, MLAs हमारे हैं, MP हमारे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डेवलपमेंट होगा। जिस उम्मीद से जो वार्ड नंबर 10 की आवाम हमारे को जो चुनकर भेजी थी उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। जो लोग ये उम्मीद से भेजे हैं कि हमारे वार्ड का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ डिप्टी मेयर बनने के बाद अपनी
वार्ड के अलावा भी दीगर वार्डों का भी जो है ना इंशाल्लाह जायजा लिया जाएगा और उनका भी खैर डेवलपमेंट होगा। पक्षदिंद आय्के आद मेयर मत्ते उप मेयर इब्बरिगू नावु अभिनंदन सल्लिसुत्ते शुभकामनेगळन्नु कोरुत्ते अवरिगेल्लरिगू मत्ते ई प्रक्रियेयल्लि नमगेल्ल सहकार बलिसिद एल्ल नम्म कार्पोरेटर्गळिगे मत्ते नम्म मुखंडरिगेल्लरिगू अभिनंदन सल्लिसुत्तेने मत्ते शुभकामनेगळन्नु कोरुत्तेने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको नमस्ते। आज कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे गुलबर्गा की बहुत बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। हमारे मेयर डिप्टी मेयर दोनों यूनानिमसली जीते हैं और मैं तमाम का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, अपना काम किए हैं। सब कारपोरेटर्स को छोड़कर भी जो जो भी पार्टी के मेंबर्स वगैरह हैं, जो जो भी मेहनत किए हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। 1982 से महानगर पालिके जो बना गए हैं, जब से पहली बार पूरे सीट अविरोध आयुक्त हो गए थे, आज महानगर का पालिका चुनाव था, मेयर डिप्टी मेयर और पूरे कमेटी के मेंबर पहली बार यूनानिमसली चुनाव हो गए। मर हर के साथ भी सेशन छोड़ के आए थे, हमारे एमएलए साहब, वो एमएलए साहब, सब लोग आके यूनानिमसली सुन के लिए सब लोग को धन्यवाद। मेयर पोस्ट श्री येल्लप्पा नायकोडी हैज बीन इलेक्टेड एज मेयर, ही बिलोंग्स टू द वार्ड नंबर 53 फॉर द डिप्टी मेयर हिना बेगम इज बीन इलेक्टेड एज डिप्टी मेयर फ्रॉम वार्ड नंबर 13। Mayor post, we got initially two nominations. One nomination was rejected, and only one nomination was there, so it was unanimous election. Similarly, for deputy mayor also two nominations were there. One nomination was withdrawn by one candidate, so that was also unanimous. And for all the four standing committees also, all the seven members, they have given a nomination, and they also unanimously elected. So there was no election for any of the posts, either for mayor, deputy mayor, or for any of the committees. Overall, the elections were peaceful, and all the arrangements were very well taken care of by the municipal corporation. आज कांग्रेस पार्टी के इसमें एक खुशी की लहर है। हमारे पास जबकि पूरा नंबर्स थे, हमारे पास मेजोरिटी थी, लास्ट टाइम जो हुआ था बीजेपी वालों ने बाहर से लोगों को ला कर है ना मेजोरिटी बनाया था, मगर इस बार हमारी सरकार आने के बाद हमारी मेजोरिटी, पूरी मेजोरिटी रहने के बाद भी अलीम पटेल ने अपना ये विड्रॉल करने के बाद डिप्टी मेयर भी हमारा अनोपोज हुआ है। डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ। आज हमारे पास नंबर्स है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनडेमोक्रेटिक तरीके से बैकडोर से अनकॉन्स्टिट्यूशनली लास्ट टाइम भी मेयर बनाई थी और ये टाइम भी अटेम्प्ट ली थी, मगर आज कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी को जीत दिलाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जीत दिलाई है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट करते हुए अपने मेयर को नॉमिनेट किया, इलेक्ट किया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी जो आज हिस्ट्री क्रिएट की है, कांग्रेस पार्टी की पूरी हाईकमांड को, लीडरशिप को, पूरे कारपोरेटर्स को अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूं और गुलबर्गा की अवाम को ये यकीन दिलाता हूं कि येल्लप्पा नायकोडी साहब और अब्दुल रहीम मुल्ला साहब इतने एफिशिएंट और इतने कैपेबल हैं, आने वाले दिनों में गुलबर्गा सिटी एक मॉडल सिटी डेवलप्ड सिटी बनकर उभरेगा।